Hello, welcome to Sai Sanskar Public School. Today, I present the number system. Number system के बारे में आज हम बात करेंगे और इसको जानेंगे. Number system. In early days, when there were no means of counting, people used to count with the help of fingers, stones, pebbles and sticks. पहले के टाइम में जब काउंटिंग के बारे में नहीं मालूम होता था तो लोग अपनी उंगलियों की हेल्प से पत्थर की कंकड़ और स्टिक्स की हेल्प से काउंटिंग किया करते थे. लेकिन ये सभी चीज़ें पर्याप्त नहीं थी और इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी. फिर नंबर सिस्टम को डेवलप किया गया. नंबर सिस्टम जो है उसकी डेफिनेशन जो होती है, ए नंबर सिस्टम इज ए सेट ऑफ वैल्यूज यूज टू रिप्रेजेंट द क्वान्टिटीज. नंबर वैल्यूज जो होता है वो एक वैल्यूज का सेट होता है जो क्वान्टिटीज डिफरेंट डिफरेंट क्वान्टिटीज को रिप्रेजेंट करता है. द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज इन ए नंबर सिस्टम इज कॉल्ड इट बेस और रेडिक्स. जो जितने भी नंबर यूज किए गए होते हैं नंबर सिस्टम में उसका बेस और रेडिक्स कहलाता है. आइए अब और जानते हैं इसके बारे में. सम इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम आर एज फॉलोज. कुछ जो इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ. फर्स्ट होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकेंड बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम, फोर्थ होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे. इट कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स. इसमें 10 डिजिट यूज होते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. इट हैज बेस 10. जैसे कि मैंने आपको बताया था जितने डिजिट यूज होते हैं वही उसका बेस होता है. तो इनका बेस 10 है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रखा है 125 का बेस 10. बाइनरी नंबर सिस्टम. ए डिजिटल कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर सिस्टम. जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम ही अंडरस्टैंड करता है, उन्हें समझ पाता है. और वो नंबर होते हैं 0 and 1. द बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 digits 0 and 1. कंप्यूटर जो है सिर्फ 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड कर पाता है, समझ पाता है बाइनरी नंबर सिस्टम को ही. द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ द बेस 2. उनका बेस 2 होता है क्योंकि इसमें 0 और 1 2 नंबर ही यूज़ किए गए होते हैं. एग्जाम्पल मैंने दिखाई दिया आपको यहाँ पे 1001100, यानी कि इसमें सिर्फ 0 और 1 का ही यूज़ होता है. ऑक्टल नंबर सिस्टम. द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 digits. यहाँ पे 8 digits यूज होते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0 से लेकर 7 तक 8 digits यूज होते हैं, इसलिए इसका बेस जो होता है वो 8 होता है. जो ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है वही बाइनरी टू डेसिमल का होता है. यानी कि जो हम जैसे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं ऐसे ही हम ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं इसको. एग्जाम्पल मैंने दिखाया है यहाँ पे 265 का बेस 8. इसमें 7 तक ही डिजिट यूज होंगे, 7 से अबाउट डिजिट यूज नहीं होगा. नाउ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. दिस नंबर सिस्टम कंटेन्स 16 digits. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. ABCDEF सिंबल्स. ए से एफ लेकर इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं. ए इज़ इक्वल टू 10, बी इज़ इक्वल टू 11, सी इज़ इक्वल टू 12, डी इज़ इक्वल टू 13, ई इज़ इक्वल टू 14 एंड एफ इज़ इक्वल टू 15. टोटल इसमें 16 डिजिट यूज होते हैं, इसीलिए इसका बेस 16 होता है. एग्जांपल में 4e का बेस वैल्यू 16. All conversion from hexadecimal to any number is done with the help of given table. यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, इसकी टेबल की हेल्प से ही हम सभी कन्वर्जन जो कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को. हेक्सामेल से हमें बाइनरी में करना हो, ऑक्टल में करना हो या फिर हमें डेसिमल में करना हो, हम इसी टेबल की हेल्प से वो करते हैं. कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी. डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है 34 का जो बेस वैल्यू थी वो 10 थी, यानी कि डेसिमल नंबर था, उसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी में.
फिर बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करा जाता है ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, इसका हम प्रैक्टिकली भी करेंगे क्लास में। थैंक यू। आज की क्लास में हमने नंबर सिस्टम के बारे में जाना कि नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे इनके बेस और यूज़ किया जाता है।